लगता है कि आपसे शादी करने के लिए आपसे बेहतर इंसान और कि सोलोगैमी जैसी भी चीज़ होती है जहां आप खुद से शादी कर सकते हैं। और मैंने सोचा व्हाई नॉट, तो वो टाइम था जब मैंने हनीमून की प्लान, अभी मेरे पूरे फिक्स नहीं है बिकॉज़ मैं जॉब भी करती हूँ, तो अगर मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं ज़रूर गोवा जाना चाहूँगी, वो भी अकेले। दृश्य पड़ताल देखने वाले सारे भाइयों ने दी बुद्धि आई, राम राम। आज एक बहुत अनोखी खबर ले आए यहाँ आप लोग आते हैं। जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो हजारों लाखों सपने अपनी जिंदगी को लेके, अपने नए जीवन साथी को लेके आते हैं। लेकिन गुजरात के वडोदरा क्षेत्र से एक ऐसी शादी की खबर आ रही है जिसे सुन के आप लोग चौंक जाएंगे, जिसमें कि 24 साल की लड़की है एक अक्षमा बिंदु, वो सेल्फ मैरिज कर रही है। कहने का मतलब ये है कि उनकी शादी में सब कुछ होगा, बैंड बाजा बाराती, यहाँ तक कि उन्होंने हनीमून तक जाने का बोल दिया है। लेकिन होगा क्या? नहीं होगा, वो नहीं होगा दूल्हा, बगैर दूल्हे के होगी ये शादी। बकायदा सारी रस्मों रिवाजों से, हिंदू रस्मों रिवाजों से मंदिर में शादी करवाई जाएगी ये। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले 11 जून को इनकी सभी रस्मों रिवाजों के साथ शादी हो रही है। सभी रिश्तेदारों को भी इसमें बुलाया जाएगा। और इसको सेल्फ मैरिज भी बोल सकते हैं, सेलोगेमी भी बोल सकते हैं। और उनका बताना है कि वे उन्होंने ऐसा एक वेब सीरीज से इंस्पायर होके किया था, जिसमें एक एक्ट्रेस बोलती है हर महिला दुल्हन बनना चाहती है, पत्नी नहीं। इससे इंस्पायर होके उन्होंने इस तरह की शादी करने का कदम उठाया और अकेले हनीमून तक जाने का उन्होंने डिसाइड किया। उनके मुताबिक ज्वेलरी वगैरह सबकी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, शादी की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, उनके परिवार का उनका फुल सपोर्ट है। जहां तक नेट की सहायता से पता किया गया, पूरे भारत में इस तरह की ये पहली शादी है जो कोई भी बंदा खुद से खुद की शादी करता है, जिसमें फेरे भी होंगे, मेहंदी हल्दी संगीत सभी रस्में होगी, नहीं होगी तो वो नहीं होगा दूल्हा। और हमें कुछ उनके विचारों को सुनिए और अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़े और वीडियो में अंत तक बने रहे। हाय एवरीवन। सो बचपन से मैं शीशे के आगे खुद को देखकर बोला करती थी कि शमा मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, शमा मैं ज़िंदगी भर तुझे कभी अकेला नहीं पढ़ने दूंगी, वाउज ले लिया करती थी जो वचने हम कहते हैं। कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में घर कर गई थी वो वचने, पर मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको असलियत में मुकम्मल कर सकूँ। मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला जब मैंने गूगल किया, थोड़ा सर्च किया कि सोलोगैमी जैसी भी चीज़ होती है जहां आप खुद से शादी कर सकते हैं, और मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो वो टाइम था जब मैंने सोचा, जब मैं खुद को वचने देती थी, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे शादी करने के लिए आपसे बेहतर इंसान और। हनीमून की प्लान अभी मेरे पूरे फिक्स नहीं है बिकॉज़ मैं जॉब भी करती हूँ, तो अगर मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं ज़रूर गोवा जाना चाहूँगी, वो भी अकेले। जैसे कि आपने इनके पूरे विचार सुने और किस तरह इन्होंने इंस्पायर होके सेल्फ मैरिज जैसा कदम उठाया और इनके क्या विचार है, क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा है, खुद को पसंद करती है और क्या कुछ इनका आगे का प्लान है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ऐसी रोचक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको भविष्य में जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ अगली वीडियो आने तक आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।